हेलो दोस्तों, मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हम हैं अभी फिलहाल रूफटॉप में, और हम आए थे चेक करने के लिए कि जितना अभी हमने BRB चालू किया है वो चल रहा है या कोई एरर कोड है। तो हमने पूरा चेक किया, इसमें एक भी एरर कोड नहीं है। तो अभी जो है फिलहाल हम इसमें जितना भी पैनल है खुला हुआ था इसको सब क्लोज किए, और इसके साथ ही हम चेक कर रहे थे कि किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं कि इधर बहुत सारे आउटडोर जो है रखे हुए हैं, और ये है हमारा फ्रेशर, देख सकते हैं। इसमें कुछ काम बाकी था जो आज हमने इसको किया, कुछ इंसुलेशन बाकी था थोड़ा बहुत, और प्लस फिल्टर 2 इसमें नहीं लगा था उसको भी हमने आज लगाया। और मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो जो है बनाया हूँ, और वीडियो बनाने को पता नहीं क्यों नहीं ऐसे दिल नहीं करता है कि वीडियो बनाऊं। और मेरे सब्सक्राइबर जो है अभी फिलहाल बहुत कम है, और कोशिश है कि वीडियो हम बनाते रहेंगे ऐसे ही। और जो काम के बारे में है, BRB के में जो फॉल्ट होते हैं उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी जो फिलहाल है, अभी काम जो है फिलहाल ख़त्म हो गया है, इसका गैस चार्जिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं पूरा चालू है, मतलब कूलिंग कंप्लीट हो गया है। इसके वजह से बहुत सारे आउटडोर जो है क्लोज हो गया है, मतलब कट ऑफ हो गया है। तो हम ऐसे ही आपको सारे दिखाते हैं, सब आउटडोर किधर किधर आउटडोर रखा हुआ है। इसमें जो है सीढ़ी बनना चाहिए, सीढ़ी नहीं बना है, देखिए कितना चढ़ने में दिक्कत होता है। और इसमें जो है रूफटॉप में फिलहाल देख सकते हैं आप लोग, CCTV कैमरा जो है लगा हुआ है, ये एक्सेस है, देख सकते हैं आप एक्सेस जो है चल रहा है, इसका जो ग्रिल है वो हिल रहा है। बाहर जो टॉयलेट का जितना भी स्वांग एयर है, जितना कचरा एयर है, सब बाहर निकालने के लिए है। और साइड में नीचा आप लोग देख सकते हैं, नीचा जो है वो फ्रेश एयर इधर से लेके फिल्टर करके, और हवा में जो ह्यूमिडिटी होता है उसको फिल्टर करने के बाद ये रूम अपार्टमेंट में देता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग पूरा चल रहा है आउटडोर, और नीचे जो है स्विमिंग पूल का काम जो चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ का बाहर का नज़ारा यहाँ रूफटॉप से दिखता है, चलिए आपको एक बार हम दिखा देते हैं बाहर का नज़ारा कैसे दिखता है। यहाँ अभी फिलहाल जो है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हम स्टेडियम में नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमने टिकट भी नहीं लिया और हायर कार्ड जो है वो भी नहीं बनाए, तो हमको ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं मिलता कि हम कहीं स्टेडियम में जाए या आसपास घूमने भी जाए। तो इसके लिए हम बाहरी जो है वीडियो हमारे पास नहीं आ पाता है, तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि एक बार हम जाए स्टेडियम के पास और वीडियो बनाए और आप लोगों के सामने जो है यहाँ का नज़ारा लुक जो है, यहाँ कितना लोग आए हैं, बाहरी बहुत सारे लोग आए हैं। तो यहाँ पूरा अपार्टमेंट जो बहुत सारा खाली था तो पूरा बुक हो चुका है, बहुत सारा मतलब टूरिस्ट यहाँ आए थे फुटबॉल देखने के लिए। तो यहाँ जो है कंपनियों का क्या है कि बहुत सारे लोगों को छुट्टी पे भेजा है, क्योंकि काम जो है कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा बंद हो चुका है, रुका हुआ है। जैसे वर्ल्ड कप खलास होगा तो बहुत सारा नया नया प्रोजेक्ट जो है चालू होगा, तो उसमें क्या है कि वर्कर का डिमांड आएगा कि वर्कर और चाहिए, तो हो सकता है वांट इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, जितना श्रीलंका, जितना कंट्री है, एशियाई कंट्री है, वहाँ ये सब वांट जाएगा। तो आप लोग भी अगर विदेश आना चाहते हैं तो रेडी रहिए, अपना सर्टिफिकेट जो भी है, आप जो भी काम करते हैं आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोग उसका पेपर, जो एक्सपीरियंस पेपर है वो रेडी रखिए। और फिलहाल अपना डिग्री जो है, आप क्या चीज़ में डिप्लोमा किए, ITI किए हैं, तो अपना पेपर रेडी करिए, क्योंकि जनवरी फरवरी ऐसे मार्च तक मतलब नया वांट जो है यहाँ का निकलेगा, तो आप लोग रेडी रहिए पेपर लेके। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।